सूरत यासीन मक्की है, 83 आयतें और 5 रुकू है। सूरत यासीन में 1000 किस्म के तजुर्बात से इसकी तिलावत होती है। 1000 किस्म के तजुर्बात बुजुर्गानी दीन के, हर तजुर्बा जो नस के खिलाफ नहीं है मोतबर है और उस पर अकीदतमंदों को फायदा पहुंचता है। 2-3 बातें याद रखें। सूरत यासीन जैसे हमारा कल्ब और दिल है, इस तरह कुरान की सूरत है। हर मुसलमान को याद होना चाहिए, इसके मफाहिम और मतलब मालूम होना चाहिए। सूरत यासीन 24 घंटे में 1 मरतबा जरूर पढ़े। कभी भी 24 घंटे गुजरे और आपने यासीन नहीं पढ़ी हो, ये मुनासिब बात नहीं होगी। मुश्किलात के हल के लिए रात को पढ़ना मुअस्सर है और मुरादों के मिलने के लिए फजर से पहले या फजर के बाद पढ़ना मुअस्सर है। हमारा एक तरीका है इसके पढ़ने का, अपनी दुआएं सफेद कागज पर लिख लो। 3 दफा सूरह फातिहा, 3 दफा आयतुल कुर्सी, 3 दफा 4 कुल और 3 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ ले और फिर वो दुआ पढ़ ले लिखी हुई, फिर सूरत यासीन शुरू कर ले। मुबीन पर पहुंचकर फिर वो लिखी हुई दुआ पढ़ ले, फिर दूसरी मुबीन पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, फिर पांचवी पर, फिर छठी पर, फिर सातवीं पर, फिर सूरत यासीन मुकम्मल हो जाए तो हाथ उठाकर तफसील के साथ वो दुआ मुकरर से करर मांगे। 7 हफ्ते के अंदर अंदर, पहले ही हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबको इजाजत है, जिन्होंने समझा नहीं है उनको बिल्कुल इजाजत नहीं, जो समझ चुके हैं उनको इजाजत। ना समझ तो हकीकत में दुश्मन किताब व सुन्नत है, उसको वजीफा देना तो खिंजीर के गले में मोतियों का हार डालना है, जो बदतरीन किस्म की नाशुक्री है। सबसे बदतरीन कायनात वही है कि जब कीमती बात हो तो वो तवज्जो ही न दे।